एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम्स तो ऑफ एंड ऑन होने चाहिए, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी से कोई काम होता है तभी उसमें कुछ असर होता है, रिमाइंडर डेली कुछ करना। लेकिन अब चूंकि 26th ऑफ जून ड्रग डी एडिक्शन डे हम सब मनाते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उसके उसमें ना उसके उस दिन को एक हिसाब से वो खिराज अकीदा देने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ ये वो प्रोग्राम है, ये एक अवेयरनेस है, ये प्रोग्राम से ज़्यादा एक अवेयरनेस है, एक लेसन है जो हम सबको पहुँचाना चाहते हैं। जब ये दवाइयाँ बनती हैं, इनके बनने का मकसद हमारी ज़िंदगियों को बचाना होता है। ये बनती हैं बीमारियों से हमें बचाने के लिए, छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, यानी कि हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर नॉर्मली भी डोजेज से ज़्यादा कोई इंसान कोई दवाई लेगा उसके लिए भी वो जहर है। तो अब तो अब्यूज़ की बात ही नहीं है कि जब हम बिला वजह कोई ड्रग इसलिए लें कि हमें थोड़ा उससे अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, या हमें लगता है कि हम अपने दिन ब दिन के टेंशन से रिलीफ फील करते हैं, एक धीरे 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 ये कोई इंसान इसका आदी हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अभी टेम्प्रोरली उसको लगता है कि मैं किसी चीज़ से किसी परेशानी से शायद रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बट इन द एंड इट्स स्पॉइलिंग हिज लाइफ। इट्स नॉट ओनली स्पॉइलिंग, इट कैन ब्रिंग एंड टू हिज प्रेशियस लाइफ। वो एक हमारा बच्चा हमारा यूथ ये नहीं सोचता है कि अकेले उसकी जान की बात नहीं, उसके साथ उसके पेरेंट्स जुड़े होते हैं, उसकी फैमिली होती है। ये एक बंदा जब ड्रग अब्यूज़ करता है, ये एक पूरे पहले फैमिली को, एक ख़ानदान को और फिर माशरे को इसका असर उस पर पड़ता है। हमें इस चीज़ से बहुत हद तक बचना चाहिए, मतलब हमें सोच समझ के। इसीलिए हमारा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका हमेशा ये रहता है दबाव हमारे केमिस्ट ब्रदर्स पे कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी दवाई ना दें। प्रिस्क्रिप्शन पे भी कुछ ऐसी स्टैंप लगाएं कि वंस अगर उसने ये दवाई ली वो ये प्रिस्क्रिप्शन मिसयूज़ ना करें। तो इसलिए हम इनको हमेशा रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। इसका मकसद यही होता है कि इवन नॉर्मल दवाई पेरेस्टामोल का जो एक गोली है वो भी मिसयूज़ ना हो। तो अब कोडीन और बाकी के NRX ड्रग्स की तो बात ही नहीं है जिन्होंने जहर फैलाया। ये ड्रग्स एक स्वीट पॉइजन है, पहले बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे अपील करूँगी, पहले आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मतलब मज़ा आएगा ये क्या चीज़ हमने ले ली। लेकिन लास्ट में यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग योर फैमिली, एंड एट द एंड हमारी सोसाइटी जो है दिन ब दिन खोखली होती जा रही है। आज मसरूफियात थे ऐसे डिपार्टमेंट के कि हम इसको टाइम पे मतलब निकालनी तो अपने उस दिन पे चाहिए थी। 26 एक तो वो गवर्नमेंट हॉलीडे आया, तो लेकिन हमने सोचा ये निकालना ज़रूरी है। कुछ नहीं तो एक कोई मैंने जैसे पहले कहा ना, एक याद दहानी, एक रिमाइंडर टू द जनरल पब्लिक कि हाँ जब हम बार बार किसी दरवाजे पे नॉक कर